अल्लाम नाजीन प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूँ आपका मेजबान बिलाल खान आज सबसे पहले बात की जाएगी महकमा बल्दियाज सिंध का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है जाली भर्तियों के हवाले से इंक्वायरी करवाई गई और इंक्वायरी ने कमेटी जो इंक्वायरी कमेटी थी उसने सैंतीस सफात पर मुश्तमल रिपोर्ट पेश की है जिसमें ये बात सामने आई कि जाली दस्तावेजा पर भर्तियाँ की गई हैं और जो भर्तियाँ की गई हैं वो यू सी सेक्ट्रीज भर्ती किए गए इनकी तफसत यहाँ पर सामने आई है दो हज़ार आठ से दो हज़ार दस तक के जो यूनियन कौंसिल के सेक्रटरीज़ थे उनको मुबैया जाल साजी के तहत बगैर किसी स्क्रूटनी के बगैर किसी इश्हार के भर्ती किया गया जबकि ये भी बताया गया कि सत्तर करोड़ रुपये का इस काम से इस करप्शन से नुकसान पहुँचा है ख़जाने को अगर बात की जाए सेक्ट्रीज़ की जो यू सी सेक्ट्रीज़ हैं उनका ताल्लुक बताया जाता है शिकारपुर कराची कंबर खैरपुर और दीगर अजला से अब ये सैंतीस सफात पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट पेश की गई इसमें कुछ चीजें वाजे की गई आठ सौ उनसठ यू सी से में से सात सौ पांच यू सी सेक्ट्रीज थे जिनके दस्तावेज जमा थे एक सौ उनचास जो सेक्ट्रीज थे उनकी भर्तियां जाली की गई हैं और निन्यानवे यूसी सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें बग़ैर इश्तहार के भर्ती किया गया अब इस पर तमाम चीज़ों की रिपोर्ट के बाद उन अफसरान कोतल करने का की सिफारिश की गई है इस पर बात करेंगे कि ये कैसे भर्ती हो गए किसकी इस पर असर रसूख था है? ये भी बताया जा रहा है कि सियासी असर रसूख की बुनियाद पर यह भर्तियाँ की गई अब सवाल ये पैदा होता है कि दो हज़ार आठ से दो हज़ार दस तक की अभी स्क्रूटनी कराई गई है दो हज़ार दस से लेकर बारह तेरह चौदह और आगे तक जो भर्तियां हुई उसका क्या होगा बहरहाल इस वक्त स्टूडियो में हमें नुमाइंदा खसूस फैज़ बुलेदी ज्वाइन कर चुके हैं फैज बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है महकमा बल्दियात एक बड़ा मेन इदारा है अगर बात की जाए सिंध का इसका इतना बड़ा स्कैंडल ये जो यू सेक्ट्रीज जाली भर्ती किए गए हैं कैसे पॉसिबल है ये बिलहाल ये तो बहुत कम तादाद है जो ये दस्तावेजा है मेरे पास इससे पहले जितनी भी इंक्वायरियाँ हुई हैं उसमें इससे डबल लोग सामने आए हैं जिनका पता चला है कि ये सियासी बुनियादों पर भर्ती किए गए ये जो इंक्वायरी आज आ, आ, सामने आई है जिसमें तकरीबन 500 ऐसे अफसरान हैं जिनके लिए सिफारिश की गई है कि इनको हटाया जाए इनकी तनख्वाहों की मद में दो साल के अंदर सत्तर करोड़ का नुकसान हुआ है कौमी ख़जाने को और ये कमेटी ने सिफारिश की है इसमें कोई डेढ़ सौ के करीब यूसी सेक्रेटरीज़ हैं जो जाली भर्ती हुए और निन्यानवे ऐसे लोग हैं जो बग़ैर इश्तहार के भर्ती कर दिए गए दो सौ अड़तालीस ऐसे लोग हैं जो मशकूक हैं जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है इदारे के पास तो इस तरह कोई ये पाँच सौ के करीब लोग हैं जिसके बाद इस कमेटी ने सिफारिश की है सेक्रेटरी को कि इनको फिलफोर हटा कर इनसे जितनी भी तनख्वाह की मद में पैसे इनको दिए गए हैं वो वापस लिए जाएं और कौमी ख़जाने में जमा कराए जाएं यहाँ पर सेक्रेटरी लेवल पे या टी एम ए में के एम सी में डी एम सी में अक्सर बल्कि बेशतर लोग ऐसे हैं जो जाली भर्ती हुए हुए हैं और जहाँ दो लोगों की ज़रूरत है वहाँ दस बैठे हुए हैं जहाँ पचास लोगों की ज़रूरत है वहाँ पाँच सौ लोग बैठे हुए हैं एक यूसी की मैं आपको मिसाल दूं वहाँ सिर्फ दो कंप्यूटर ऑपरेटर की आ, सीट्स हैं पोस्ट हैं वहाँ पे 25 कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हुए हैं एक यूसी सेक्रेटरी के पास एक क्लर्क की पोस्ट है वहाँ पे चार चार क्लर्क बैठे हुए हैं तो ये जाली भर्तियाँ जिस कदर इस महकमा लोकल गवर्नमेंट में हुई हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती अठतालीस जो महकमे हैं सिंध गवर्नमेंट के उनमें सबसे ज़्यादा जो जाली भर्तियां हैं जो फेक अपॉइंटमेंट है उसमें लोकल गवर्नमेंट नंबर वन डिपार्टमेंट है और ये तो सिर्फ दो साल का डेटा है दो साल के अंदर जो जाली भर्तियां हुई हैं उनका फिगर है जो आ, ये आ, आपके सामने मौजूद है इससे पहले 2012-13 में 400 लोगों को भर्ती किया गया उसमें अक्सर ऐसे लोग हैं किसी एम का बेटा है कोई अच्छा। कहीं कोई एमपीए का तो बेटा है कोई सेक्रेटरी का बेटा है ये ये लोग कर क्या रहे हैं जब हम दफातर का विजिट करते हैं तो ए, कहीं पर क्लर्क मौजूद नहीं होते हैं वहाँ पर काम करने वाले लोग मौजूद नहीं आप कह रहे हैं कि दो कंप्यूटर की सीट्स हैं ऑपरेटर की और 25 ऑपरेटर्स भर्ती किए है हुए हैं ये कर क्या रहे हैं उन डिपार्टमेंट्स में ये एक नया तरीका आया है करप्शन का पहले ये होता था जो पैसा है वो मुख्तलिफ मद्दों में निकाल के करप्शन की जाती थी जेबों में जाता था अब एक नया तरीका आ गया है जिस तरह दौर चेंज होता जा रहा है तो करप्शन के तरीके भी चेंज होते जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा जो करप्शन होती है वो सैलरी के मद में होती है ठीक है। सैलरी वो पैसा है कि उसमें कोई आप पर एतराज़ नहीं कर सकता ठीक है कि भाई आप इसको तीस हजार क्यों दे रहे हैं ये पच्चीस हज़ार कैसे उठा रहा है और आपने देखा होगा कि आपने अक्सर अपने प्रवाहमात में जो एम को मद्दूख किया इससे पहले पीपल्स पार्टी के जो एम जिनको आपने ऑनलाइन यहाँ पर लिया था प्रोवाह में उसने भी ये कहा कि हमारा ज्यादा जो बजट है उसका ज्यादातर हिस्सा तो तनख्वाओ में जाता है नहीं वजी तो, साहब खुद बजट पेश करते हुए ये कह चुके हैं मुराद अली शाह के 400 करोड़ के करीब करीब हमारा हमारा 400 400 अरब चार अरब और के ओवरऑल जो के, के हैं। के जो हैं है वो सैलरीज की मद में चला जाता है बजट तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये जो जाली भर्तियां हैं और घोष्ट मुलाजमीन है एक तो है कि ठीक है आपने जाल से भर्ती किया और वो भर्ती के बाद काम कर रहा है यहाँ पर तो मसला ही कुछ और है कि घोष्ट मुलाजमी है जो सिर्फ तनख्वाह लेते हैं तनख्वा की मद में इतना पैसा जा रहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं ये काम नहीं करते ये घर बैठ के तनख्वाह लेते हैं और इनको तो ये कहा जाता है कि भाई आप की अगर पच्चीस हज़ार सैलरी है तो दस हज़ार आप हमें दे दें पंद्रह हज़ार अच्छा आप हमसे ले लें तो इस तरह जो टीएम में मतलब भी चल रही है पे बिल्कुल यहाँ पे तो चली बार्गेनिंग रही है यहां पर ये सबसे ज्यादा जो करप्शन हो रही है वो इसी तनख्वाह की मद में लोकल डिपार्टमेंट में हो रही है और ये उसकी वाज मिसाल है ये दो साल की इंक्वायरी इन्कौर, की गई है कि दो साल के अंदर जितने भी फेक अपॉइंटमेंट हुई है इस लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये उसकी इंक्वायरी है इससे पहले इस तरह की दस इंक्वायरियां आ चुकी हैं उनमें सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों ऐसे लोग हैं जो जाली अपॉइंटमेंट जिनकी की गई है और जिस तरह मैंने बताया कि 400 जो पोस्टें हैं जिन पर लोगों को भर्ती किया गया 2012-13 में ये सारे एम पी एम एन सेक्रेटरीज़ और जो बासर ताकतवर लोग हैं उनके ज्यादा हैं वो टाउन ऑफिसर लगे हुए हैं वो कहीं डीएमसी में हेड लगे हुए हैं कहीं पे एडीएलजी लगे हुए हैं और जबकि ये कमीशन की पोस्ट है सोलह सत्रह की आप डायरेक्ट भर्ती नहीं कर सकते आपने एक लंबी सी लिस्ट बनाई और वो जारी कर दी उन सबको डिपार्टमेंट के अंदर थोप दिया और उसके बाद ये केस हाईकोर्ट में भी गया है मगर अभी तक इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया इस होना ये चाहिए कि जो कमीशन की पोस्ट है उस को कमीशन के थ्रू भर्ती किया जाए 16, 17 को आप इस तरह डायरेक्ट भर्ती नहीं कर सकते इसी बुनियाद पर आ, सिंध हाई कोर्ट ने आ, तकरीबन 40 जो इंफॉर्मेशन इतलात महकमा इतलात के जो अफसरान थे उनको हटाया और उनकी तनख्वाहें बंद करने के लिए महकमे ने लेटर जारी किया है जी सिंध को कि इनकी तमाम जो सैलरीज हैं उनको ब्लॉक किया जाए एफ ने अपने 48 लोग जो आज से 10 साल पहले भर्ती किए गए थे उनको हटा दिया क्योंकि वो आपने डायरेक्ट भर्ती किए ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो 400 लोग बैठे बैठे हुए हैं तनख्वाहें ले रहे हैं ना सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं बल्कि अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए हैं और वहां बजट को ठीक लगा रहे हैं ये, ये अभी यहाँ यहाँ पे, पे, ये अभी सारी कार्रवाई की गई है अगर मैं बात करूं लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह फिर उसके बाद आ जाते हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नजरम अहमद शाह फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ सेक्रेटरी बोर्ड जो कि जमीर अब्बासी साहब है बिल्कुल तो इन तीनों के अगर मैं किरदार की बात करूं इस वक्त इस डिपार्टमेंट के हवाले से तो क्या इनको ही तमाम चीजें मालूम नहीं है अगर इंक्वायरी होती है तो उसके बाद इन अफसरान को मतलब क्यों नहीं किया जाता बिलाल मसला ये कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है अब तक वो ज्यादातर अपॉइंटमेंट वो है जो चेयरमैन के थ्रू हुई है ये कौनसिल इम्प्लाइज जो हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है जाली अपॉइंटमेंट जो हुई है उसमें क्योंकि जब चेयरमैन आता है तो वो वो पॉलिटिकल बंदा है, वो क्या है क्या करता है कि जहां, आ, सौ लोग उसने भर्ती किए, अपने पास उसके आ, पास जो जगह है इंप्लाइज की वो टोटल सीट्स हैं, वो पंद्रह या बीस हैं, उसने है। क्या करा सौ लोगों को भर्ती किया बाकी जो साठ हैं, उनको ट्रांसफर करके दूसरी यूसी में भेज दिया दूसरे टाउन में भेज दिया इस तरह उनको इस तरह पता नहीं चल पा रहा कि कौन जाली है कौ, कौन जो है वो असली है इस तरह ज्यादा इस, इस तरह ज्यादा लोगों को भर्ती किया गया सियासी बुनियादों पर भर्ती किया गया और इस वक्त जो महकमा लोकल गवर्नमेंट की जो सैलरीज की मद में जो पैसा जाता है सिर्फ एक महीने के अंदर वो छः से सात अरब रुपए इनकी सैलरी जाती है महीने में साल का इनका जो बजट जाता है कोई अस्सी से बयासी अरब रुपए इनकी इन्हीं तनख्वाहों और इस तरह के कामों में पैसा जाता है और उसमें सिर्फ कोई मेरे ख़्याल बीस फीसद पैसा बचता है छोटे मोटे कामों के लिए सफाई के लिए और छोटी मोटे सड़कें हैं रास्ते हैं गटर हैं उनको साफ करने के लिए मगर आपने मुझे बताएं कि किसी हल्के के अंदर किसी टाउन के अंदर कोई सड़क आपको साफ़ मिली हो कहीं आपको जो सेवरेज का निज़ाम है उसको उसकी सफाई कहीं नज़र आती हो यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं वो काम ही नहीं करते तनख्वाह लेके घर चले जाते एक, एक सवाल है तनख्वा 149 यूसी सेक्रेटरीज की जो बात आ रही है और फिर निन्यानवे यूसी सेक्रेटरीज तो इन दोनों को मिलाकर जो तादाद बनती है ये अभी भी विराजमान है ये अभी भी काम कर बिल्कुल अभी बैठे हुए हैं अभी भी सैलरीज ले रहे ये तमाम अफसरान ये तमाम एम्प्लॉज अभी तक अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं ये इंक्वायरी रखी जो है वो दी गई थी सेक्रेटरी बोर्ड की जानव से उस इंक्वायरी के जो चेयरमैन है जो कमेटी है उसने अपनी तगोदो की इन तमाम जो अफसरान हैं एम्प्लॉयज हैं उनको सार्ट आउट किया और बताया सेक्रेटरी को कि भाई ये जो पांच सौ एम्प्लॉयज हैं ये फेक हैं ये जाली हैं इनकी जो असनाद हैं तो सर्टिफिकेट तो एक्शन के लिए एक्शन के लिए सिफारिश की है अब चूंकि अभी निकाल देना चाहिए और सत्तर करोड़ रुपए गुजशत चंद माह के अंदर इनकी सैलरी के मध्य में पैसा इनकी जयबू में क्या है वो इनसे वापस लेकर कौमी खजाने में जमा करा देना चाहिए नहीं तो ये दो हजार आठ से भरती है और आज दो हजार इक्कीस में हम बैठे हुए हैं इस वक्त तब से ये सैलरीज ले रहे हैं और किसी को ये मालूम ही नहीं था कि ये बग़ैर इश्तिहार के भर्ती किए गए हैं ये जाल साजी से भर्ती किए गए हैं ऐसे अब तक महतात अंदाजे के मुताबिक 2012-13 में भी भर्तियां हुई हैं डायरेक्ट जो भर्तियां हुई हैं तो उस महताद अंदाजे के मुताबिक बस आपकी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है कितना ऐसे मुलाजमीन है जो जाल से भर्ती किए गए होंगे बिलहाल मेरे ख्याल में अब तक इनकी तादाद हज़ारों में है सैकड़ों में नहीं है क्योंकि इस वक्त टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं लोकल गवर्नमेंट के उनकी तादाद पचास हज़ार है पूरे सूबे के अंदर ठीक है पचास हज़ार एम्प्लॉज़ हैं जिनमें यू सीज़ हैं टी एम ए है कॉरपोरेशन हैं के एम सी है डी एम सी है इन सब के ये तकरीबन कोई सत्रह सौ से ज़ायद इदारे हैं क्योंकि चौदह पंद्रह सौ यू सीज़ हैं इस तरह कोई एक सौ चौरानवे जो है ना वो टाउन वगैरह हैं कॉरपोरेशन हैं के एम सी डी एम सी ये सारे मिला के सत्रह सौ इदारे हैं इनके टोटल कोई पचास हज़ार हैं पूरे सिंध के अंदर और इन सबको मॉनिटर करते हैं रेगुलेट करते हैं ये सेक्टरी बोर्ड बिल्कुल बिल्कुल सेक्टरी बोर्ड के ये अंडर आते हैं और इसमें दो तरह के एम्प्लाइज होते हैं एक कौंसिल एम्प्लै है जिस तरह मैंने बताया जिसकी भर्ती जो है वो चेयरमैन वगैरह बिल्कुल इसी तरह है। तो ये जो नॉन एस यू जी है कौंसिल एम्प्लाई वो सबसे ज्यादा उसकी तादाद है फेक अपॉइंटमेंट के अंदर जो ये फिगर हमारे सामने आई तो है एक, इंक्वायरी एक, के बाद चीज़ और यहाँ पर आ जाती है एक वक्फा भी मैं यहाँ पर लूंगा लेकिन सवाल यहाँ पर आप के सामने रख देता हूँ नाजरीन के अब अगर बात की जाती है इंक्वायरी की और इन तमाम चीज़ों की तो उस वक्त फिर सियासी असर वसूख की बातें की जाती हैं आज अगर हम बात करें दो हज़ार आठ की से दो हज़ार दस की तो वो कहेंगे कि उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की या एम क्यूम ने भर्तियाँ करवाईं ये भी एक बड़ा इशू है बिल्कुल एम क्यू एम के दौर में भी सबसे ज़्यादा जाली लोगों को भर्ती किया गया कराची का उसकी वाजे मिसाल है अभी चंद रोज़ पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि आपकी जो ईस्ट है ईस्ट और साउथ इसके अंदर कोई जो है पंद्रह सौ दो हज़ार के करीब इस तरह के लोग हैं जिनको भर्ती किया गया और उस एज में भर्ती किया गया कि वो उनकी एज अंडर एज थे अंडर एज थे वो उनकी उम्र जो है वो पंद्रह साल जो है चौदह साल बारह साल इस तरह उनकी उम्र थी उम्रें थी और उनको उठा के भर्ती कर दिया इन डिपार्टमेंट्स के अंदर तो ये फेक अपॉइंटमेंट लोकल डिपार्टमेंट इसमें पहले नंबर पर आता है और सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो पैसा है जो करप्शन की नज़र होता है वो इस तरह जो है ना सैलरी के बाद में जाता है ऐसा ये यूसी सेक्रेटरीज़ को महाना क्या जो है वो वजीफ़ा दिया जाता है क्या काम करने के लिए सैलरीज को देने के लिए यूसी सेक्रेटरीज़ का सबसे पहले जो बजट था शुरू में कोई पचास हज़ार था फिर एक लाख फिर दो लाख अभी जो यूसी सेक्रेटरी को मिलता है कोई पांच लाख रुपए का बजट मिलता है अच्छा। उसके अंदर इनकी एक से डेढ़ लाख रुपए सैलरीज होती हैं बाकी जो इनके पास पैसा बचता है वो इलाके में सफाई सुथराई के काम के लिए इनको मिलता है दीगर कामों के लिए मिलता है मगर उस, उसमें भी आप देखें कि कहा काम होते हैं कहाँ सफाई होती है पहले तो के अंदर स्वीपर भी नजर आया करते थे तो स्वीपर भी नजर नहीं आते सफाई करते हुए मसला है कि वो घर बैठे सैलरी ले रहे हैं तो क्यों काम करेंगे और फिर उनको आशीर्वाद हासिल है पॉलिटिकली जो बुनियादों पर इनकी भर्तियाँ की गई हैं साथ साथ जो टाउन है जिस तरह मैंने बताया कि उसका तकरीबन कोई मुख्तलिफ़ टाउन की पॉपुलेशन के हिसाब से उसका बजट है कम से कम जो टाउन का बजट है वो कोई बरखल एक करोड़ सवा करोड़ तक टाउन का बजट होता है बाक़ी जो ये कॉरपोरेशन हैं उनका बजट तो बहुत ज़्यादा होता है मरखल बीस करोड़ पाँच करोड़ दस करोड़ इस तरह इनका बजट होता है टोटल ये जो इनको महाना बजट जाता है वो अरब जाता है और सालाना जो इनको पैसा मिलता है वो बयासी अरब रुपए ये ये इनको तो, हाँ ये मिलता ये तो तो सामने आ गया कि यूसी जो जाली भर्ती किए गए जिसके दौर में और जिसने भर्ती की है उन लोगों का नाम इस इंक्वायरी कमेटी में नहीं आया क्या सामने नहीं उनका नाम आना चाहिए कि किस की सिफारिश पर इनको भर्ती किया गया और ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और न सिर्फ़ इनको इनकोल कर देना चाहिए और बल्कि इन्होंने जो सैलरी हासिल की है इस दो साल के अरसे में वो भी इनसे वापस लेनी चाहिए और कौमी खजाने में जमा करानी चाहिए कि ये कौम का पैसा है इसको किस तरह आप आ, किन चीज़ों में लगा रहे हैं और दूसरा ये कि ये इसमें बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो ड्यूटी पर हाज़िर ही नहीं होते जो आते ही नहीं हैं और वो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं इस तरह की एक नहीं सैकड़ों मिसाल हैं किसी यूसी में मुझे बता दें कि कोई इंप्लाई नहीं, कि जाली को भर्तियां रोकने के लिए कौन सा पहलू है जिस पर गौर किया जाए जो कारामद साबित हो सकता है अभी कुछ अर्सा पहले एक जेड एंड जेड कंपनी लाई गई थी और कोशिश ये थी कि इसको एक ठेका दिया जाए और पैसा भी कमाया जाए और दोबारा से जो जाली भर्ती उनको जो है स्क्रूटनाइज किया जाए तो उसके लिए एक कमेटी एक कंपनी है जेड एंड जेड उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये प्लान बनाया गया कि जितने भी एम्प्लाई हैं लोकल गवर्नमेंट के कोई पचास हज़ार के करीब एम्प्लाई हैं है, इनके कार्ड बनाए जाएंगे अच्छा। और उसके बाद जिसके पास वो कार्ड होगा वही असली एम्प्लाई होगा उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सर्विस रिकॉर्ड है वो उस कंपनी को जो है फराम करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके अंदर बड़ी एक अहम है वो ये है कि जो कार्ड बनाए जा रहे थे

चार पाँच करोड़ जो है वो ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही थी मगर जब ये मीडिया ने रिपोर्ट किया तो उसके बाद वो नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि बजाय इन चीज़ों को सुधारने के मज़ीद इस तरह के जो है ढूंढे जा रहे हैं तरीके करप्शन के जिसको देख के बड़ा दिल दुखी होता है और मेरे ख़्याल में ये जो रिपोर्ट आई है इंक्वायरी कमेटी की इसको परसू करना चाहिए सक्रेटरी को इसके अंदर जितने भी जाली लोग हैं जो पाँच सौ के करीब इन्होंने निशानदेही की है इनको फौरी तौर पर हटाना चाहिए न सिर्फ इनको हटाया जाए बल्कि करोड़ छली के मद में पैसा इनको दिया गया वो भी इनसे वापस लेना चाहिए ठीक है बहरहाल बहुत शुक्रिया फैज़ आपका और नाजिन ये जो इस वक्त मामला सामने आए हैं कि जो जाली भर्तियाँ हुई दो हज़ार आठ से दो हज़ार दस तक ये काम करते रहे सैलरीज लेते रहे सत्तर करोड़ रुपये से जायद का नुकसान पहुँचाया गया अब इन तमाम जाली भर्तियों को ख़त्म होना चाहिए अब इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए अभी तो सिर्फ ये दो साल की बात की गई है अभी मजीद आगे बढ़ेंगे तो आगे भी जो इनके शाफा किए गए वो भी आपके सामने रखूँ यहाँ पर एक वक्ा लेंगे उसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं उसको भी मलूज खाते रखेंगे